हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में कुछ विटामिन का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव है, PVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आज हम लोग कुछ नया पढ़ेंगे और कुछ नया सीखेंगे, इसलिए कहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें। और मुझसे जुड़े हम आपको कुछ ना कुछ हमेशा नया ही देंगे। चलिए चलते हैं अगले पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो ध्यान रखेंगे, रतौंधी जो बीमारी है वो आँख से संबंधित होता है और यह जो विटामिन ए के कमी से होता है। किसके कमी से? विटामिन ए के कमी से। तो विटामिन ए के कमी से लगभग जितना भी रोग होता है वह मतलब कि जो आँख संबंधित जितने भी रोग होते हैं वो विटामिन ए के कमी से होते हैं। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वह है रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल, जिसका खोज मैकुलर नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसका खोज कौन किया था? मैकुलर नामक वैज्ञानिक किया था। विटामिन ए का जो स्रोत है सब हरी सब्जी। हरी सब्जी कौन सा है? हरी सब्जी। तो ध्यान रखेंगे, तो सबसे पहले रतौंधी जो है आँख से संबंधित रोग है और यह विटामिन ए के कमी से होता है। और विटामिन ए का जो स्रोत है हरी सब्जी है। और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है रेटिनॉल है। और विटामिन ए का खोज मैकुलर ने किया था। विटामिन ए का जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है हरी सब्जी में, सबसे ज़्यादा जो विटामिन ए पाया जाता है वह पालक में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पालक में पाया जाता है। तो आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन आप सभी को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो अगला क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि किस विटामिन को अपनी गतिविधि के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। तो बोल रहा है कि सबसे पहले हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि वह कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। तो यह जो विटामिन बी ट्वेल्व जिसका जो रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन होता है। तो मतलब कह सकते हैं कि वह कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। तो उसमें मतलब कि विटामिन बी ट्वेल्व है जिसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है ना। तो आशा करता हूँ यह भी क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो अगला क्वेश्चन जैसे बोल रहा है कि मानव शरीर में किस विटामिन की कमी से रिकेट्स होता है। तो सबसे पहले रिकेट्स के बारे में समझेंगे। या जो रिकेट्स रोग है वह बच्चा में होता है। किसमें होता है? बच्चा में होता है। और यह जो बच्चा में होने के कारण मतलब कि यह पैर में होता है। और जो बच्चा यह रोग से ग्रसित होता है उसका जो पैर होता है टेढ़ा पड़ जाता है, यानी कि पैर की जो हड्डी होती है वह टेढ़ी पड़ जाती है। और यह जो रोग होता है विटामिन डी के कारण होता है। और विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वह कैल्सीफेरॉल है, है ना। और विटामिन डी का जो खोज किया था हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने किया था। और विटामिन डी का जो स्रोत है, अगर कोई पूछे कि विटामिन डी का जो प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो वह सूर्य का प्रकाश है, है ना। और जो मुक्त रूप से और मतलब कि जनरली पाया जाता है वह मछली उछली जो भी है उनका तेल में पाया जाता है। फिर से देखेंगे कि रिकेट्स जो है वह बच्चों में होता है। और जिस बच्चा में होता है उसका हाथ पांव जो होता है उसकी हड्डी टेढ़ी होती है। और यह जो विटामिन डी के कारण होता है। और यह विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल है। और विटामिन डी का खोज हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने किया था। और विटामिन डी का जो स्रोत है मुख्य स्रोत है वह सूर्य का प्रकाश है, वह मुक्त रूप से मिलता है। और ये ऐसे यह मछली के तेल में भी पाया जाता है। तो चलिए चलते हैं, आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन जो है बेहतर तरीके से समझ आया हो, तो इसलिए कहता हूँ चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से रक्त के थक्के जमने में मदद करता है। तो इसका अर्थ समझेंगे, मतलब कि जैसे कि किसी व्यक्ति का अगर हाथ पांव कट गया है तो देखते होंगे कि कभी कभी किसी का जो है ब्लडिंग रुकता ही रही है हाथ पाँव कटने के बाद। तो वह जो होता है वह किस विटामिन के कारण मतलब कि रुकता नहीं, हमेशा चलते रहता है। जैसे कि और कुछ ऐसे भी व्यक्ति की कटने के बाद तुरंत बंद हो जाते हैं और उसका जो ब्लड होता है वह जहाँ कटता है वहाँ जम जाता है। तो वह जो होता है मतलब कि नहीं ब्लडिंग रुकता है
वह मतलब हमेशा चलते चलता है, तो वह विटामिन के कमी से होता है। अगर जिसके पास विटामिन के है तो उसका रक्त थक्का जमेगा वो भी कटने के बाद। तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम है फ्लिक्विनोन है, और क्या है फ्लिक्विनोन है। तो पूछेगा कि विटामिन के का रासायनिक नाम फ्लिक्विनोन है और इसी के कमी के कारण जो है रक्त थक्का नहीं बन पाता है। अगर यह विटामिन है तो रक्त थक्का बनेगा, रक्त जमेगा कटने के बाद। तो आशा करता हूँ यह भी क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब बोला अगला क्वेश्चन कि विटामिन ई के कमी के कारण क्या होता है। तो जब भी विटामिन ई का कमी के कारण होगा तो उसमें जनन शक्ति कम जाएगा। जिस व्यक्ति में विटामिन ई की कमी होगी तो उसकी जनन शक्ति जो होता है वह कम जाता है। जो भी जन्म देने की क्षमता होती है, तो जनन शक्ति जो भी जनन क्रिया में होती वह शक्ति कम जाता है। और इसलिए इसको मतलब कि कह सकते हैं कि विटामिन ई की कमी के कारण बांझपन भी होता है। और विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है, विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वह है टेकाफेरॉल। क्या है? टेकाफेरॉल है, टेकाफेरॉल। तो ध्यान से मतलब कि विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति कम जाती है और इसी के कारण बांझपन होती है, और इसका रासायनिक नाम टेकाफेरॉल है। आशा करता हूँ यह भी प्रश्न बेहद तरीके से समझो। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब बोल रहा है कि विटामिन की खोज करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो विटामिन की खोज करने वाला प्रथम व्यक्ति फंक ही था। कौन था? फंक था। फंक के कैसे वैज्ञानिक थे जो विटामिन की खोज किया था। और विटामिन जो है एक जटिल कार्बनिक यौगिक है ना। अगर कोई पूछे कि विटामिन क्या है, तो विटामिन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जिसका खोज सर्वप्रथम फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो आशा करता हूँ यह भी क्वेश्चन बेहद तरीके से समझ आएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑस्टियोमलेशिया वयस्कों में किसकी कमी के कारण होता है। तो विटामिन डी के कमी के कारण होता है। तो इसमें हम ऑस्टियोमलेशिया और विटामिन डी के कारण होता है, और विटामिन डी के बारे में हम लोग आगे बता चुके हैं कि विटामिन डी का जो मुख्य स्रोत क्या है, विटामिन डी का जो रासायनिक नाम क्या है, विटामिन डी के कमी के कारण क्या होता है, विटामिन डी मुक्त रूप में कहाँ से मिलता है। विटामिन डी के कमी के कारण हम लोग रिकेट्स भी जाने थे, और रिकेट्स जो है वो बच्चों में होता है, और बच्चों में होता है तो उस जिस रोग से ग्रसित होते हैं उसका पैर जो होता है टेढ़ा होता है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन है। तो ध्यान रखेंगे वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कि अगले क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि लाल रक्त कोशिका के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो लाल रक्त कोशिका मतलब कि आर बी सी। तो आर बी सी का मतलब कि कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो ये विटामिन B9 है, और विटामिन B9 का जो रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड है। क्या है? फॉलिक एसिड है। अब बात आई कि यह आर बी सी है क्या। तो आर बी सी जो है यह रेड ब्लड सेल, इसको कहते हैं रेड ब्लड सेल, कहते हैं रेड ब्लड सेल, है ना, रेड ब्लड सेल। ये इसका जो जीवन काल होता है 20 से 120 दिन होता है। और इसका जो बोलता है कि आरबीसी का जो कब्र कहाँ है, तो यकृत या पलीहा में होता है, यकृत या पलीहा में होता है। और इसका जो निर्माण होता है वह अस्थि मज्जा में होता है। तो फिर से कि आरबीसी जो यानी कि लाल रक्त कोशिका है उसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं आरबीसी, और इसका जो फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल मतलब श्वेत रक्त कोशिका। या जो कौन सा विटामिन आवश्यक, मतलब कि लाल रक्त कोशिका के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो विटामिन B9 है जिसका नाम फॉलिक एसिड है, और उसके बाद यह जो आरबीसी का जो निर्माण होता है अस्थि मज्जा होता है, इसका जीवन काल 20 से 120 दिन होता है, और इसका जो कब्र यकृत या पलीहा होता है इसमें जो होता है कि नष्ट हो जाता है। तो अगले चल आशा करता हूँ कि अभी क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन जो है बोला कि साइनोकोबालामिन क्या है। तो साइनोकोबालामिन जो है विटामिन B12 का रासायनिक नाम है, और विटामिन B12 जो है
वह एक इसमें जो है कोबाल्ट पाया जाता है, क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ चुके हैं, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो अगला क्वेश्चन बोला कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से है। तो बसा में हम लोग पढ़े थे ए डी ई के, तो यह जो जल में घुलनशील जो होंगे वह बी और सी होंगे। तो ध्यान से पूछें, अगर बसा में बोले तो ए डी ई के और जल में बोले तो बी और सी। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो बी और सी, और बसा में तो ए डी ई के। तो आशा करता हूँ यह भी क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से अस्कर्वी रोग होता है। तो हम ध्यान रखेंगे किस विटामिन की कमी से, तो विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है हॉलकट, क्या है, हॉलकट है। और अस्कर्वी जो रोग होता है वह विटामिन सी के कारण होता है। अस्कर्वी जो रोग है वह किसके कारण होता है, विटामिन सी के कारण होता है। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है हॉलकट। तो आशा करता हूँ यह भी क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोला कि विटामिन बी1 किसे कहा जाता है। तो विटामिन बी1 किसे कहा जाता है, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं कि यह जो इसका रासायनिक नाम थायमिन है, क्या है, थायमिन है। और विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होता है। तो ध्यान रखेंगे तो विटामिन बी क्या है, तो विटामिन बी थायमिन को ही कहते हैं, अभी कॉम्प्लेक्स है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि शरीर के किसी घायल अंग से लगातार रक्तस्राव किसकी कमी के कारण होता है। तो हम इससे पहले भी बता चुके थे कि विटामिन के कमी से जो होता है रक्त का थक्का नहीं बनता है। अगर विटामिन के है तो रक्त का थक्का जरूर बनेगा। इससे पहले हम ये भी बता दिए थे कि अगर कोई व्यक्ति का हाथ या पाँव शरीर का या तो कोई भी अंग कटता है, तो अगर उसका खून जो है, रक्त जो है, वह बराबर बह रहा है, मतलब बंद नहीं हो पा रहा है, तो वह विटामिन के कमी के कारण होता है। तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके थे कि विटामिन के क्या है, तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम क्या है, इससे पहले भी बता चुके हैं। आशा करता हूँ यह भी क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगले क्वेश्चन क्या बोला। तो अभी तुरंत बताए थे कि विटामिन बी1 क्या है, तो थायमिन है। और थायमिन हम बोले थे कि विटामिन बी1 के कमी से ही बेरी रोग होता है। तो यह सभी क्वेश्चन आशा करता हूँ कि आपको बेहद पसंद आया होगा और आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गए। इसी तरह का क्वेश्चन पढ़ने के लिए मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो को हर एक वीडियो को अंत तक देखें, और कमेंट में ज़रूर बताएं और अपना टॉपिक भी बताएं कि हम किस टॉपिक पे वीडियो लाएँ। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय, धन्यवाद।